हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारतीय फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर चंद्रशेखर येलती के बारे में, जिन्हें हम तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री यानी कि टॉलीवुड में काम करने के लिए जानते हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नियोन और क्राइम मूवी एथी से की थी, जिस मूवी को नेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट फीचर तेलुगु फिल्म के लिए। उसके बाद इन्होंने एक और तेल नियोन और मूवी की थी, जिसके लिए इन्हें नंदी अवार्ड भी मिले थे। चंद्रशेखर येलती एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्मों का इंतजार दर्शकों को बहुत ज़्यादा रहता है। इस वीडियो में हम चंद्रशेखर येलती की हिट और फ्लो मूवीज़ के बारे में जानेंगे, इनका करियर एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे इनकी कितनी मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट, फ्लॉप, सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर रही हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दबा लीजिए बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, यह एक नियोन और क्राइम ड्रामा मूवी थी। मूवी का नाम था एथी, जिसका डायरेक्शन किया था चंद्रशेखर येलती ने। कास्ट में थे शशांक, सिंधु तोलानी और पवन मल्होत्रा। मूवी 2003 को रिलीज हुई थी और 8.1 की इसे बेहतरीन IMDb रेटिंग प्राप्त हुई थी और मूवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। नंबर टू, इनकी नियोन और क्राइम एक और मूवी जिसका नाम था अनुको कुंडा ओका राजू, जिसका डायरेक्शन किया था चंद्रशेखर येलती ने। कास्ट में थे जगपति बाबू, चार्मी कौर और शशांक। मूवी 2005 को रिलीज हुई थी और इसे 8 की बेहतरीन IMDb रेटिंग प्राप्त हुई थी और उस समय की हाईएस्ट में से एक थी ये, और मूवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और जगपति बाबू के करियर को एक नई दिशा दी थी। नंबर थ्री, एक्शन फ्लिक मूवी ओका दुनुदू, जिसका डायरेक्शन किया था चंद्रशेखर येलती ने। कास्ट में थे गोपी चंद, नेहा जुल्का और महेश मांजेकर। मूवी 2007 को रिलीज हुई थी और 7.3 की IMDb रेटिंग वाली इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था और यह गोपी चंद के करियर का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। और यदि आप माचो मैन गोपी चंद का हिट और फ्लॉप कंप्लीट करियर एनालिसिस देखना चाहते हो, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नंबर फोर, इनके करियर की एक और बेहतरीन मूवी जो रोमांटिक फ्लिक पर आधारित थी, मूवी का नाम था प्राणायाम। इनके डायरेक्शन किया था चंद्रशेखर येलती ने। कास्ट में थे मंचू मनोज, पायल घोष और बनबानंदम। मूवी 2009 को रिलीज हुई थी और 7.1 की IMDb रेटिंग वाली यह इनके करियर की पहली रोमांस और कॉमेडी आधारित मूवी थी जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सुपरहिट साबित हुई थी। नंबर फाइव, इनकी एडवेंचर फैंटेसी पर आधारित मूवी शासम, जिसका डायरेक्शन किया था चंद्रशेखर येलती ने। कास्ट में थे गोपी चंद, तापसी पन्नू और शक्ति कपूर, जिसमें एक ट्रेजर हंट के बारे में दिखाया गया था। मूवी 2013 को रिलीज हुई थी और 6.6 की IMDb रेटिंग वाली यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई। हिंदी डब्ड में दर्शकों ने इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। नंबर सिक्स, इनके करियर की एक और बेहतरीन फैमिली ड्रामा और कमिंग ऑफ एज मूवी मनमथा, जिसका डायरेक्शन किया था चंद्रशेखर येलती ने। कास्ट में थे कंप्लीट एक्टर, मोहनलाल, गौतमी और विश्वांत। मूवी 2016 को रिलीज हुई थी और 7.7 की IMDb रेटिंग वाली इस मूवी को दर्शकों ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा प्यार दिया था और यह मूवी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। हालांकि इसे सुपरहिट करने में मलयालम दर्शकों का बहुत बड़ा योगदान था। नंबर सेवन, बात करें इनकी आने वाली मूवी की, तो मूवी का नाम आता है चेक, जिसका हाल ही के दिनों में पोस्टर रिलीज किया गया है। मूवी का डायरेक्शन कर रहे हैं चंद्रशेखर येलती। मूवी क्राइम थ्रिलर बेस्ड होने वाली है। आप इसका फर्स्ट लुक देख ही रहे हो। मूवी की लीडिंग स्टार कास्ट में है नितिन, रकुल प्रीत सिंह और प्रिया प्रकाश वॉरियर, जो मलयालम सेंसेशनल बन चुकी हैं। मूवी की रिलीज डेट 2021 बताई जा रही है। यह नितिन की मूवी रंग दे के बाद बॉक्स ऑफिस पर रिलीज की जाएगी। आप हमें कमेंट करके बताना है एक नई फ्लिक में आप नितिन सर को देखना कैसे पसंद करेंगे, क्या यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट, फ्लॉप, सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर कैसी रहेगी। और यदि आप सुपरस्टार नितिन का हिट और फ्लॉप कंप्लीट करियर एनालिसिस देखना चाहते हो, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो जाइए जाकर एक बार जरूर देखिए। तो ये था डायरेक्टर चंद्रशेखर येलती का हिट और फ्लॉप कंप्लीट करियर एनालिसिस। इन सब मूवीज में से आप कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और साथ ही साथ यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक और बेहतरीन और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।